हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बेहतरीन से बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी। तो आज की वीडियो है ओमान कंट्री की एक और फ्री रिक्रूटमेंट की। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या आईटी इंजीनियर हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और किस जॉब पोजीशन की रिक्रूटमेंट, किस जॉब पोजीशन की वैकेंसी आप चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक ऐसी रिक्रूटमेंट है जिसमें आपको कोई भी सर्विस चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री रिक्रूटमेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको किसी एजेंट को कोई भी सर्विस चार्ज नहीं पे करना है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं, फ्लाइट टिकट वीजा सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है और यहाँ सैलरी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर आप इस वैकेंसी पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कहीं इंटरव्यू देने जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना सीवी ईमेल करना है, ईमेल आईडी मैं आपको बता दूंगा, और आपका अगर सीवी शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको जॉब ऑफर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इस कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे 5 मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, ओके। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास लाइटिंग सेल्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब लाइटिंग को सेल करने में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 10 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है विद सेल्स बैकग्राउंड, इनके पास सेल्स में 2 से 4 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, और 2 से 4 साल अगर लाइटिंग सेल्स में एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर अगली जो वैकेंसी है वो है आईटी इंजीनियर की। आईटी इंजीनियर को यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए रखा जाएगा, प्लस सेल्स के लिए भी रखा जाएगा, मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए रखा जाएगा आईटी इंजीनियर को, और मेंटेनेंस के लिए रखा जाएगा। तो इनके पास 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस पोजीशन के लिए 5 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें आप अप्लाई करके आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं अगर आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इस जॉब पोजीशन से मैच करता है। साथ ही साथ अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर हैं तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निश से कुछ जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम कर सकते हैं और वो प्रोग्राम करके अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रोग्राम प्राइवेट में बहुत महंगा होता है बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निश की तरफ से बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट में कराया जाता है। तो आप इस सर्टिफिकेशन को अगर करना चाहते हैं, इन सारे सर्टिफिकेशन को, यहाँ पे सर्टिफिकेशन कैसे अवेलेबल हैं, मैकेनिकल वालों के लिए अवेलेबल है एडवांस सर्टिफिकेशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोई भी कर सकता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल कोई भी कर सकता है, क्वांटिटी सर्वेइंग अवेलेबल है यहाँ पे अवेलेबल है, HVAC कोर्स अवेलेबल है, क्वालिटी कंट्रोल कोर्स अवेलेबल है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर, पाइपिंग इंस्पेक्टर, मैकेनिकल इंस्पेक्टर, ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं। सिविल वालों के लिए यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि प्राइवेटली लाखों में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक में जाके चेक करो कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कैसी फीस है, प्राइवेट में कितनी फीस होती है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में क्या फीस है। आप मुझे कमेंट में इसके बाद सजेस्ट करना कि आपको ये जॉब पोजीशंस कैसी लग रही हैं, ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलो अब हम आ जाते हैं अपनी वैकेंसी पे वापस। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आईटी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, तो 5 मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, 5 आईटी इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है जिनको मेंटेनेंस और मार्केटिंग के लिए खास तौर से रखा जा रहा है, इनके पास सेल्स का एक्सपीरियंस होने 2 से 4 साल का, 5 पोजीशन अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 10 नंबर में चाहिए, 10 क्वांटिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, इनके पास लाइटिंग सेल्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 4 साल का और इसके लिए 10 पोजीशन अवेलेबल है। अब मैं बता देता हूँ अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको क्या करना रहेगा। आपको मैं मेल आईडी बता रहा हूँ, इस मेल आईडी पे अपना रिज्यूमे मेल करना है, बट ध्यान रहे रिज्यूमे जिस भी पोजीशन के लिए बना रहे हो आप बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करो, बिल्कुल अच्छे से आप इसमें सब्जेक्ट लिखो, बॉडी लिखो और रिज्यूमे बड़े कायदे से अटैच करो। रिज्यूमे के साथ साथ आप पासपोर्ट भी अटैच कर सकते हो, प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हो, प्लस अगर और कोई रिकॉग्निशन आपको मिला है, कोई अवार्ड मिला है, वो भी आप रिज्यूमे वाली फाइल में ही डाल सकते हैं। आप अगर अलग अलग 4-5 फाइल अटैच करते हैं तो क्लाइंट इतना देखता नहीं, वो एक बार रिज्यूमे डाउनलोड करता है, देख लेता है बस। लेकिन अगर आपने उसी फाइल में, एक ही PDF फाइल में सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए तो क्लाइंट स्क्रॉल करके ईजिली देख सकता है आपके अचीवमेंट्स और बाकी सर्टिफिकेशन। अब आप मेल आईडी नोट कर लें कि किस मेल आईडी पे आपको अपना रिज्यूमे मेल करना है, hr.feloman@gmail.com।
तो मेल आईडी आपने नोट कर लिया है, रिवाइंड करके सुन लीजिएगा अगर आपको दोबारा से ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और नोट डाउन करना है। ध्यान रहे मेल आईडी प्रॉपर तरीके से डालिएगा जिससे कि स्पेलिंग मिस्टेक या और कुछ दिक्कत ना आए आपको। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इस वैकेंसी में अप्लाई करो, भारी मात्रा में वैकेंसी अवेलेबल है। इसमें आपको इंटरव्यू देने जाना नहीं है, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इस तरीके की और जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आप लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फ्री रिक्रूटमेंट की जॉब आपको मिले, एब्रॉड की जॉब आपको मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो बेल बटन को हिट करके, जिससे जैसे ही जॉब अपॉर्चुनिटी आए आप तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।